हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने फिर से पेश हुए हैं और इस वीडियो में आपको एक मोटिवेशनल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब में से सीखा है और काफी अच्छी मोटिवेशनल ये बुक है। फिलहाल अभी मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। अबाउट मैंने इसको 40% तक रीड कर लिया है। जब मैं इसको पूरा रीड कर लूंगा तो इसकी समरी और इसका रिव्यू आपको जरूर बताऊंगा। और मैंने इसमें से सक्सेस का एक फार्मूला सीखा है जो कि रॉबिन शर्मा बताते हैं, दैट इज द 20-20-20 रूल ऑफ द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा एक अच्छे राइटर हैं और वो काफी अच्छी बुक्स लिखते हैं और जो 5 AM क्लब बुक है उनकी लेटेस्ट बुक है और इसके थ्रू वो बताते हैं कि सुबह उठने के क्या फायदे हैं, आपको सुबह उठना चाहिए। और आज की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेस वाले माहौल में रात भर लोग जागते रहते हैं, नेट चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक करते रहेंगे, स्टेटस कुछ भी नहीं आता, उनको नींद नहीं आती, बट वो सुबह जल्दी नहीं उठते। अलार्म तो सेट डेली करते हैं बट वो उठ नहीं पाते, बार बार अलार्म स्नूज कर रहा है। जब आप अलार्म स्नूज कर रहे हो तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि उस वक्त दुनिया के वेस्ट एंटरप्रेन्योर, वेस्ट बिजनेसमैन, वेस्ट साइंटिस्ट, अच्छे टीचर, बिजनेसमैन, खिलाड़ी सुबह उठ के अपना एम अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो रॉबिन शर्मा बताते हैं सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के इतने ज्यादा वे इंतहा फायदे वो बताते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। और इस मिराकल फार्मूला को मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूं, डेट इज द 20-20-20 फार्मूला। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हमें हर सुबह 5 बजे उठना चाहिए। 5 बजे सुबह का जो टाइम है इनको वो द 5 AM क्लब में मेंशन करते हैं और इस टाइम को रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं। तो मॉर्निंग को विक्ट्री आवर कहते हैं। क्यों विक्ट्री आवर कहते हैं? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब सुबह का जो वक्त है 5 बजे अर्ली मॉर्निंग जो टाइम होता है उस टाइम आपका जो दिमाग है उसका जो प्री आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंटल एरिया है दिमाग का, वो रिलैक्स होता है, डेट इज वो स्लीप कर रहा होता है। फ्रंटल एरिया आपका सोचता है, सोचता विचारता है। तो सुबह जब उठते हो आपके दिमाग में इतने विचार नहीं आते, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता। तो एट दैट यू हैव द प्योरिटी लेवल, आपके दिमाग में आपके माइंड में एक प्योरिटी लेवल होता है, उस लेवल का आप फायदा ले सकते हो टू इनकुलेट द पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी इन योर माइंड एंड एक्सहेलिंग द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी एज वेल एज योर माइंड एंड सोल। और रॉबिन शर्मा बताते हैं कि आपने 5 AM उठ के क्या करना है, करना क्या है 5 AM उठ के, करेंगे क्या? सबसे पहले तो यही बात आती है, 5 AM उठेंगे। कोई भी काम आप करते जब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, आप उस काम को नहीं करोगे, ठीक है? तो 5 AM आपने उठना है। उस टाइम उठ के आपने करना क्या है, मोबाइल अपना साइड में रख देना है, एयरप्लेन मोड पे लगा देना है, किसी से बात नहीं करनी, वो आपने 1 घंटा अपने लिए निकालना है, ओनली फॉर योर सेल्फ, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने हार्ट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। तो कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखते रहिएगा। मैं थोड़ा इस वीडियो को एलैबोरेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एक बात जो रॉबिन शर्मा ने बताई उसको एलैबोरेट करके बता सकूं। और ये वीडियो मैं शॉर्ट में भी डाल सकता था बट शॉर्ट में मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट अच्छा सीखें और ये फार्मूला वो अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। और मैं भी ये फार्मूला अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव सीन मैनी चेंजेस इन माई लाइफ। तो चलिए फार्मूला के ऊपर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो काफी लंबा हो गया, ऐसे वीडियो को खींच रहा है, बट आपको ये इंगेजिंग करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी बनाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा कर रहा हूं।
रोबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, आपने अपना मोबाइल साइड में रख लेना, आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, यू शुड हैव जीरो डिस्ट्रैक्शन, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। वो 1 घंटा आपने खुद के लिए निकालना है और वो 60 मिनट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 20 20। फर्स्ट जो 20 मिनट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, सुबह उठ के पहले 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, काफी आपने फास्ट एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है जिससे आपका पसीना निकले, अपने स्वेट निकालना है, स्वेटिंग करनी है, अपने आप को थकाना है। साइंटिस्ट कहते हैं जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो आपकी स्ट्रेस रिलीज कर देता है। सेकेंड, दूसरा आपका दिमाग जो है BDNF रिलीज करता है, डेट इज अ ब्रेन ड्राइव नेक्रोटिक फैक्टर, और ये जो फैक्टर होता है ये आपके न्यूरॉन में कनेक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके दिमाग में न्यू न्यूरॉन कनेक्शन बनेंगे, आपका जो दिमाग है वो रिप्लेनिश होगा, रिएस्टैब्लिश होगा, रीफ्रेम रीबूट हो जाएगा, उससे आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पॉलिश हो जाएगा और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर रिलीज होता है ये आपके सेल बॉडी के हर एक सेल को नॉरिश करता है, आपके न्यूरो सिस्टम को ठीक करता है, और जो कोर्टिसोल आपकी बॉडी से रिलीज होगा आपके दिमाग से स्ट्रेस और नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। और फर्स्ट 20 आवर आपने जो इसमें लगाए हैं ये आपको हेल्प करेगा टू एक्सेल द नेगेटिविटी फ्रॉम डैट। उसके बाद आते हैं जी, आपने 5:20 हो गए हैं, 5:20 AM हो गया, उसके बाद अपने 5:20 AM से लेके 5:40 AM यानी अगले 20 मिनट क्या करना है। अगले 20 मिनट आप जब एक्सरसाइज कर रहे होगे, कर ली होगी 20 मिनट, आपकी बॉडी थकी होगी, आपने फिर रिलैक्स कर लेना है, ठीक है, रिलैक्स करके आंखें बंद करके मेडिटेट करना है और सोचना है। सोचना क्या है, अपना जो गोल है उसको सोचना है, अपने दिमाग में अपने पॉजिटिव सोचना है, आपने आपको जो भगवान ने दिया है, आपके पास जो भी है, आपकी अच्छी सेहत है, अच्छी आई साइट है, अच्छी थिंकिंग कैपेसिटी है, अच्छा आपका हाइट है, जो भी आपके पास है डेट इज बेस्ट, जो भी आप अपने में बेस्ट देखते हो उसको आपने सोचना है, आपके पास जो नेचर ने बेस्ट गिफ्ट दिया उसको देखना है। ये नहीं देखना कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे कम, आपके पास गाड़ी नहीं है, नेगेटिव चीजें नहीं देखनी, जो आपके पास है उसके लिए आपने गॉड का ग्रेटफुल होना है, ठीक है, उसके लिए आपने गॉड के सामने ग्रेटिट्यूड अपने माइंड में ग्रेटिट्यूड बिठाना है कि मेरे पास ये चीजें हैं, और आपने पॉजिटिव रहना है उस टाइम और थिंकिंग करनी है पॉजिटिव और अपने गोल के बारे में सोचना है। शांति से जब मेडिटेट करोगे तो आपका दिमाग रिलैक्स होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, और उस फोकस को आप अपने नेक्स्ट 20 मिनट में जो लास्ट इसका स्टेप है 5:40 से लेके 6 AM में, उसमें जो आपने करना है वो करने में आपको हेल्प होगी। तो 20 मिनट जब आप मेडिटेशन करोगे आपका दिमाग रिलैक्स होगा एंड यू विल थिंक द बेटर आइडियाज फॉर डैट। और उसके बाद आपने 5:40 से 6 AM में अपने पास एक नोटबुक लिखनी है, नोटबुक और पेन आपके पास होने चाहिए, और एक जर्नल लिखना है, जर्नलाइज करना है अपना गोल। सबसे पहले आपने करना है कि आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा आज का गोल क्या है, कम से कम अपने आज के बेस्ट 3 गोल लिख लीजिए, और बेस्ट जो 3 गोल है उसमें से टॉप प्रायोरिटी किस काम को पहले करना है वो दीजिए, और उसके लिए देखिए कि मेरी कितनी प्लानिंग हो चुकी है, मुझे इसको कैसे करना है, ठीक है। तो डेली उसमें आप अपना गोल लिखते जाइए, और आपका जो फ्यूचर गोल है उसको भी इसमें डेली डिस्कस करिए, और उससे धीरे धीरे ये स्टेप वाइज आपकी लाइफ में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस लेके आएगा। ये मैं एक दिन के 5 AM की बात कर रहा हूं, तो अगर आप सोचिए अगर 1 साल 365 डेज हर दिन आप 5 AM क्लब ज्वाइन करते हो, हर रोज आप 20 20 20 फार्मूला यूज करते हो, तो आप कैलकुलेशन लगा के देख लेना कि कितने मिनट आप अपने माइंड को देते हो, कितने मिनट आप अपनी बॉडी को देते हो, कितने मिनट आप अपने गोल को देते हो, और 1 साल आप इसको अप्लाई करके देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, रोबिन शर्मा प्रॉमिस करते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी,
जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, दे अर्ली टू अवेक एंड अर्ली टू स्लीप, जल्दी उठेंगे जल्दी सो जाएंगे, ठीक है। और आपने सूरज को उठाना है, ऐसा ना हो कि सूरज आपको उठाए। कहते हैं जो लोग सूरज को उठाते हैं वो हमेशा ऊपर उठे रहते हैं और अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और जो सूरज उगने के बाद उठते हैं उनकी लाइफ, उनका दिन हमेशा सुस्ती भरा और नेगेटिविटी बढ़ा रहता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जरूर अपनी लाइफ में ये 20-20-20 फार्मूला अपनाइए, और आई होप इट विल चेंज योर लाइफ इफेक्टिवली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही जब मैं ये 5 AM बुक कवर कर लूंगा, 5 AM क्लब बुक को कंप्लीट कर लूंगा, जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और बहुत जल्दी मेरा वीडियो आ रहा है जिसमें मैं आपको अपनी मोटिवेशनल बुक्स की सीरीज कलेक्शन बताऊंगा, जो कि आपको हाईली मोटिवेट करेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेट एंड अचीव योर गोल। व्हाट यू कैन थिंक यू कैन गेट। थैंक यू वेरी मच, स्टे पॉजिटिव।